प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 में कार्यपत्रक 95। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 95, दक्षता, लिखित सामग्री के तथ्यों को पढ़ना और समझ पाना। एक बड़ा कार्यक्रम उतना ही बड़ा जितना आपके बच्चे की कल्पना है। अखिल भारतीय जेब्रा रंग प्रतियोगिता 2024 में भाग लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बाल कलाकृति कार्यक्रम हाजिर है। पूरे देश में हजारों पाठशालाओं के लाखों बच्चे इसमें भाग लेने वाले हैं। बच्चों, यह आपके लिए जी भरकर चित्रकारी करने का मौका है। माता पिता, यह आपके बच्चों के लिए अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन करने का राष्ट्रीय अवसर है। जीतने वाली कलाकृतियों को देश के अनेक शहरों की प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी पाठशाला में पूछें। तो इस प्रकार से यह एक विज्ञापन है। हमें इस विज्ञापन के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। उपरोक्त वर्णित विज्ञापन को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न एक, यह विज्ञापन एक की घोषणा कर रहा है। परीक्षा, त्यौहार, प्रतियोगिता, सम्मेलन, तो किसकी घोषणा कर रहा है? प्रतियोगिता की। प्रश्न दो, यह कार्यक्रम की पाठशालाओं के लिए खुला है। राजस्थान, दिल्ली, बिहार, पूरे देश, तो किसके लिए? पूरे देश की पाठशालाओं के लिए। प्रश्न तीन, जो माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा भाग ले, उन्हें से संपर्क करना चाहिए। पाठशाला, जेब्रा कंपनी, इंडियन एक्सप्रेस, नव भारत टाइम्स, तो किससे संपर्क करना है? पाठशाला। प्रश्न चार, इनमें से कौन सा कथन सही है? जीतने वाले को नगद इनाम दिया जाएगा। क्या ये कथन सही है? नहीं। जीतने वाली कलाकृतियों को देश की कई प्रदर्शनियों में पेश किया जाएगा, तो ये कथन सही है। जीतने वाली कलाकृतियों को समाचार पत्रों में छापा जाएगा, तो ये कथन गलत है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में कार्यपत्रक 95 समझा। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए, इसका अभ्यास कीजिए और इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर देना सीखिए, उसका अभ्यास कीजिए। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।